मुक्तिबोध अपने तरह के एक अनूठे कवि हैं। ना तो उनसे पहले उन जैसा कोई उदाहरण मिलता है और ना ही उनके बाद कोई मुक्तिबोध जैसा या मुक्तिबोध की कोई परंपरा चली है। मुक्तिबोध ने 200 के करीब कविताएं लिखी, जिनमें बहुत छोटी छोटी कविताएं भी हैं और बहुत लंबी लंबी महाकाव्यात्मक कविताएं भी हैं। और मुक्तिबोध की पहचान असल में इन लंबी कविताओं से ही है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इनके जीवन में इनका कोई संग्रह भी प्रकाशित नहीं हुआ था। चांद का मुंह टेढ़ा है नाम का जो इनका कविता संग्रह है, वो भी इनकी मृत्यु के बाद ही प्रकाशित हुआ। और ये भी एक ऐसी बात बनी हुई है, जो इतने इम्पोर्टेंट कवि माने जाते हैं और रचना की दुनिया में जिनको बहुत आदर मिलता है, वही जो हमारा अकादमिक की दुनिया है, अध्ययन के केंद्र है, उनमें मुक्तिबोध की कविताओं को बहुत मुश्किल माना जाता है। और मुश्किल मानते हुए कई बार उनकी कविताओं को जो सिलेबस में तो होती हैं, पर जिनको उतने मनोयोग से नहीं पढ़ा जाता जितनी उसकी वो जरूरत उनकी होती है। मुक्तिबोध की कविताएं इसलिए जटिल और मुश्किल लग सकती हैं क्योंकि वो एक संकल्पना लिए हुए होती है। यदि हम उस संकल्पना को समझ ले तो फिर उनकी कविताएं बहुत आसानी से हमें समझ में आ जाती है। मुक्तिबोध एक दार्शनिक कवि हैं, एक विचारक हैं, जो कविताओं के अंदर ही जो उनके विचार और कई स्तरों पर उनकी कविताएं चलती रहती हैं, उसमें राजनीति भी है, सब कुछ है उसके अंदर, संघर्ष भी है, आंदोलन भी है। तो इसलिए उनकी कविताओं की कई परतें और कई स्तर हैं। इसलिए उनकी कविताओं की जो अर्थ भंगिमाएं हैं वो कई चीजों को अपने अंदर समेटे हुए होती है। वो कविताओं से कई काम लेते हैं, उनमें कथात्मकता भी है, उनमें नाटकीयता भी है। कविता के बारे में उनका ये मानना था कि कविता के भीतर की सारी नाटकीयता वस्तुतः भावों की गतिमयता है। जितनी भी चीजें उसके अंदर मौजूद होती हैं वो सारे उसके भावों को गति प्रदान करने के लिए होती है। ये उनका अपने कविता के बारे में और कविता की शिल्प के बारे में एक उनका बहुत ही प्रतिबद्धित आग्रह था। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मुक्तिबोध की जो कविताएं हैं उसमें वैविध्य की कमी है, लेकिन यदि मुक्तिबोध की कविताओं को देखें तो जिस तरह से उन्होंने मिथकों का, पुराणों का, इतिहास का, अपने समाज की सच्चाई का, स्त्रियों का, प्रेम का, जिस तरह से जो कविताएं लिखी हैं, तो वो एक भरा पूरा संसार उनकी कविताओं में नजर आता है। मुक्तिबोध अपने कविताओं में एक बिंब बनाते हैं और उस बिंब को यदि हम डिकोड कर लें, यदि उस बिंब को हम उसकी व्याख्या करने लगे, उसके माध्यम से समझने लगे, तो मुक्तिबोध की कविताएं बहुत आसान हो जाए। क्योंकि मुक्तिबोध की कविताएं एक बिंबों की कविताएं हैं। हाँ, क्योंकि मुक्तिबोध की कविताओं में ऐसे बिंब, ऐसे रूपक होते हैं जो आम सामान्य चीजों में दिखाई नहीं देते। यदि मुक्तिबोध की कविताओं का लोकेशन देखें, चाहे कहीं से भी कोई कविता आए, चाहे ब्रह्म राक्षस हो, चाहे अंधेरे में हो, ज्यादातर कविताएं मुक्तिबोध की मध्य वर्ग पर केंद्रित है, उसकी प्रतिबद्धता पर, उसकी क्रांतिकारिता पर, उसके स्वार्थों पर, उसके आत्मसंघर्ष पर। ज्यादा कविताएं मुक्तिबोध की यहीं पे केंद्रित होती हैं। और उस मध्यम वर्ग में भी वो शिक्षित मध्यम वर्ग, वो बुद्धिजीवी जो समाज को प्रभावित करते हैं, उनके ऊपर केंद्रित होती है। उनकी कविताओं में एक ऐसी दुनिया दिखाई देगी जो रात की दुनिया है, चांद है, पानी है, रुका हुआ पानी है, काला जिसका रंग है, और सुनसान जगहें हैं जहां कोई जाता नहीं है, ऐसी चीजें दिखाई देगी। आज हम मुक्तिबोध की एक कविता पढ़ेंगे जो अपेक्षाकृत छोटी कविता है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण कविता है। ये कविता मुक्तिबोध के अंतिम दौर की कविता भूल गलती। भूल गलती आज बैठी है जिरह बख्तर पहनकर तख्त पर, दिल के चमकते हैं खड़े हथियार उसके, दूर तक आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी, खड़ी हैं सिर झुकाए सब कतारें बेजुबा बेबस, सलाम में अनगिनत खंभों व मेहराबों थमे दरबारे आम में
सामने बेचैन घावों की अजीब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा कि जिस पर कांप दिल की भाप उठती है, पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लगतर छलकते लाल लंबे दाग, बहते खून के वह कैद कर लाया गया ईमान, सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता, खामोश, सब खामोश। मनसबदार शायर और सूफी अल गजाली, इब्न सीना, अल बरूनी, आलिम फाजिल, सिपह सालार, सब सरदार हैं खामोश। नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म किसी शर्त, नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म किसी शर्त, नामंजूर। हट इनकार का सिरतान खुद मुख्तार, कोई सोचता उस वक्त छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने साए शाह, कोई सोचता उस वक्त छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने साए शाह, सुल्ताने जिरह बख्तर बना है सिर्फ मिट्टी का, वो रेत का सा ढेर शहनशाह, शाही धाक का अब सिर्फ सन्नाटा, लेकिन हा जमाना सांप का काटा, लेकिन हा जमाना सांप का काटा। भूल भूल मेरी आपकी कमजोरियों के शाह, लोहे का जिरह बख्तर पहन खूंखार, भूल मेरी आपकी कमजोरियों के शाह, लोहे का जिरह बख्तर पहन खूंखार, हाँ खूंखार आलीजा, वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता, सब बस्तियां दिल की उजाड़े डालता, करता हमें वह घेर बेबुनियाद बेसिर पैर, हम सब कैद हैं उसके चमकते ताम झाम में शाही मुकाम में, हम सब कैद हैं उसके चमकते ताम झाम में शाही मुकाम में, इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा, भरे दरबारे आम में मैं भी संभल जागा, कतारों में खड़े खुद गर्ज वा बाहतियार, कतारों में खड़े खुद गर्ज बाहतियार, बख्तर बन समझौते सहम कर रह गए, कतारों में खड़े खुद गर्ज बाहतियार, बख्तर बन समझौते सहम कर रह गए, दिल में अलग जबड़ा अलग दाढ़ी लिए, दू मुहे बन के सौ तुजुर्बों की बुजुर्गी से भरे, दड़ियल सिपह सालार संजीदा सहम कर रह गए, लेकिन उधर उस ओर कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुंचा, अंधेरी घाटियों के गोल टीलों घने पेड़ों में कहीं पर खो गया बेमालूम, लेकिन उधर उस ओर कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुंचा, अंधेरी घाटियों के गोल टीलों घने पेड़ों में कहीं पर खो गया, महसूस होता है कि वह बेनाम बेमालूम दर्रों के इलाकों में, सच्चाई के सुनहले तेज अक्षों के धुंधले में, सच्चाई के सुनहले तेज अक्षों के धुंधलके में मुहैया कर रहा लश्कर हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त लावित स्वर हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा, प्रकट होकर विकट हो जाएगा। भूल गलती आज बैठी है चिरह बख्तर पहनकर तख्त पर, दिल के चमकते हैं खड़े हथियार उसके, दूर तक आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी, खड़ी हैं सिर झुकाए सब कतारें बेजुबा बेबस सलाम में, अनगणित खंभों व मेहराबों थमे दरबारे आम में। कविता में को तीन हिस्सों में किया जा सकता है, एक पहले में एक ऐसे व्यक्ति का जो घायल है जिसका सिर ऊंचा है और जो इसको लेकर के आना, और दूसरे में दरबार का जो सीन है कि दरबार के अंदर ये हलचल होना, ये व्यक्ति शर्म किसी शर्त को मंजूर नहीं करता और सारी सजाएं उसके लिए स्वीकार करने के लिए तैयार है, और ये खुसर खुसर शुरू होने लगती है कि अब शासन सत्ता के दिन लग चुके हैं, और तीसरा इसके अंदर है कि एक व्यक्ति एक कोई उनमें से भागता है जो अनाम है, जिसको आप कोई नाम नहीं दे सकते, कोई उसका चेहरा नहीं है, वो कौन है, तो वो वापस आएगा ये उम्मीद है लेखक को और जनता की तरफ से। तो इस तरह से यदि भूल गलती, ये गलती कौन है और भूल कौन है, ये जो भूल है जो चिरह बख्तर पहनकर बैठी हुई है तख्त पर, दिल के हमारे तख्त पर बैठी हुई है, हमारे दिल के तख्त पर बैठी हुई है भूल गलती, और वो भूल गलती है उसकी ताकत कहां से, यदि इस कविता के अंदर मौजूद शब्दों को हम देखें
तो वो हमारा ही अपना आत्मसंघर्ष है कि हम किस तरह से हमारे जीवन को एक व्यक्ति और इसको बड़े संदर्भों में राजसत्ताओं के रूप में इस कविता को फिर हम फैला सकते हैं।